Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. तुम मेरी बेटी की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने बेटे कुणाल के बारे में सोचो। क्या होगा जिस दिन इस घर में पता चलेगा कि कुणाल चौहान परिवार का खून है कि नहीं? जी, जो आई थिंक ऑडियंस के लिए भी जो इतना बड़ा सच था मासिमा का, एवरीवन वांटेड टू नो झरोके में क्या है और यू नो मासिमा की बैक स्टोरी क्या है, वो इतना बड़ा ट्रूथ आज रिवील हो गया और नैना को पता चल गई असली बात। बहुत शॉकिंग है उसके लिए ऑब्वियसली। आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है पता चलना कि इस घर का बेटा जो है वो इस घर का बेटा है ही नहीं, किसी और का बेटा है। वो नैना को पता लग चुका है, तो अभी देखते हैं आगे वो क्या डिसीजन लेती है, फैमिली में बताती है या नहीं। अच्छा, तो कुणाल को लेके पूरा का पूरा ट्रुथ रिवील्ड हुआ है जी, कितना शॉकिंग है कुणाल के लिए अगर ये बात हो पर। ओह गॉड, आई थिंक एक नैना के लिए जो इस घर की बहू है, बेटी भी नहीं बहू है, उसके लिए इतना बड़ा ट्रुथ है ये। तो जब खुद कुणाल को पता चलेगा दैट ही इज़ नॉट एन के आर निर्मला सन, ही इज़ मासिमा सन, एंड आई थिंक बहुत बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद कुणाल के कैरेक्टर में भी आई थिंक बहुत उस कैरेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा चेंज ओवर होगा, बट देखते हैं अभी कैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है। अच्छा नैना, जब भी कोई मुसीबत आती मेघना हमेशा आपको याद आती, तो मेघना तक ये सच्चाई कब तक जाएगी, क्या कुछ होगा? जी दीदी, याद तो आती है पर आई थिंक बहुत बार नैना कंसिडर करती है कि दीदी को बताया तो हो सकता है कि यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रॉब्लम, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि दीदी विश्वास रखती है सीधा जाकर बात करने में, हर कैरेक्टर इज़ ओनली लाइक दैट। तो बहुत बार नैना कुछ बातें चाहती है कि मैं दीदी से शेयर करूँ पर नहीं करती, फाइनली अपने पास रख लेती है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल नैना डू इन दिस केस।